नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 16th अक्टूबर है और आज वेडनेसडे का दिन रहेगा। राहु काल का समय रहेगा आफ्टरनून का 12:26 से लेकर के 1:42 तक का। दोपहर का समय ये राहु काल का है, तो इसे ट्रैवलिंग के लिए, किसी भी शुभ कार्य के आरंभ के लिए आप लोग अवॉइड कीजिएगा। इसी के साथ आज हम बात करेंगे रंगों की, यानी कि कलर्स की। और कलर्स का महत्व तो आप सभी जानते हैं, हम कई बार इस टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन आज बात होगी क्योंकि दिवाली जो है अभी कुछ ही टाइम दूर है, तो इसलिए घर के सजो सजावट के बारे में हर कोई सोच रहा है, घर में नई नई चीज़ों के लाने के बारे में हर कोई सोच रहा है। तो आज हम बात करेंगे मुख्य तौर से, क्योंकि कल करवा चौथ का दिन है, तो बेडरूम की बात होगी आज कि आपके बेडरूम में कौन से रंग जो हैं वो महत्वपूर्ण होने चाहिए, कौन से रंग जो है वो आपको नहीं करने चाहिए और कौन से रंगों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए अपने शयन कक्ष के अंदर, यानी कि अपने बेडरूम्स के अंदर, ताकि आपके रिश्तों में हमेशा तालमेल बना रहे। तो सबसे पहले बात करी जाए, अगर आप न्यूली वेड हैं, आपकी नई नई शादी हुई है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि लाइटर शेड्स, यानी कि पिंक कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू के अगर शेड्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लाइटर ब्लू शेड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि अगर आप ज़्यादा डार्क कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर आप डार्क रेड का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो कुंडली की हम बात करें, तो कई बार किसी की कुंडली में मान लीजिए मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब है या आपका सूर्य अगर ख़राब है, तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि लाल रंग का इस्तेमाल या रेड कलर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अगर आपके ऊपर पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि आपका गुस्सा पड़ जाएगा, आपके अंदर जो शॉर्ट टेम्पर्डनेस है वो बढ़ जाएगी, आपके हमेशा एंग्जाइटीज़ में रहेंगे, स्ट्रेस हमेशा आपके ऊपर रहेगा। इसी तरह से अगर आप डार्कर शेड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर हमेशा एक तरह की एंग्जाइटीज़ जो है वो लगी रहेंगी, एक प्रेशर जो है वो बना रहेगा आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमेशा चीज़ें स्मूथनेस के साथ आगे बढ़नी चाहिए, इसीलिए अगर आप न्यूली वेड हैं तो हमेशा आपको लाइटर शेड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा बात करें कि अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको सोते वक्त अपना सिरहाना, यानी कि अपने सर जो है, हमेशा नॉर्थ की तरफ अवॉइड करना चाहिए, साउथ की तरफ सर करके आप सो सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ की तरफ वैसे भी आपके हेल्थ इश्यूज़ को बढ़ाता है, और साथ ही साथ में क्योंकि नॉर्थ जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो पुल करता है, तो आपका हमेशा खून जो है वो आपके सर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आप एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा रहेंगे और आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि उतार चढ़ाव हमेशा लगे रहेंगे। इसके अलावा अगर कलह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसी स्थिति में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लाइटर पिंक शेड्स का इस्तेमाल करना हमेशा अच्छा रहता है। इसके अलावा आप अगर मरून कलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसमें भी लाइटर शेड्स का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें ऐसे लोगों की जिनके पार्टनर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं आपको, तो आप लोगों को पीले रंग का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए अपने आसपास। आप पीले रंग के फ्लावर्स भी अपने रूम में लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों के लिए जो कलर करवाना पॉसिबिलिटी नहीं है, तो येलो कलर्स के फ्लावर्स जो हैं अपने आसपास आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत होता है। और इसके अलावा गोल्डन शेड्स का इस्तेमाल करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही में बात करें हम पेंटिंग्स की, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हमने बात करी थी कि किस तरह की पेंटिंग्स आपको अपने ड्राइंग रूम में लगाई जानी चाहिए, लेकिन अगर बेडरूम की बात करी जाए तो राधा कृष्ण का विग्रह जो है आप लोग अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। खासतौर पे उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जिनके दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आपने रूम में फ़ोटो फ्रेम्स लगा रखे हैं, तो हमेशा फ़ोटो फ्रेम्स को अलग अलग नहीं बल्कि साथ में लगाया जाना चाहिए। ऐसी पिक्चर्स जो कि किसी तरह का कोई आक्रामक दृश्य दिखा रही हूँ, ऐसी पिक्चर्स अगर आप अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी दाम्पत्य जीवन में मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। या ऐसी नुकीली चीज़ें अगर आपने अपने बेडरूम में रखी हुई हैं, या ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हुआ है जो कि आपके यूज़ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपने वो सिर्फ एक डंप में रखा हुआ है इसी तरह से, तो भी आप देखेंगे कि आपके जीवन में कलह कलेश बढ़ जाएगा, एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाएंगे। तो कोशिश कीजिए छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें, अपने आसपास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं जो डंप में हो, जो यूज़फुल नहीं है, जो चलते नहीं हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप उसे डीक्लटर कीजिए अपने रूम से। बहुत ज़्यादा लोहे की चीज़ों का इस्तेमाल करना अपने बेडरूम में, वो भी कहीं ना कहीं पर नेगेटिविटी को बढ़ाता है। ब्लैक शेड्स का इस्तेमाल करना, अगर लड़ाई झगड़े ऑलरेडी रहते हैं तो कोशिश कीजिए ब्लैक जो है उसे सबसे पहले आप अपने रूम में से बाहर निकाल दीजिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अब आपकी राशियों की, और बात करते हैं सबसे पहले एरीज के लिए।
एरीज कार्ड्स निकल रहे हैं, टू ऑफ पेंटाकल्स एंड द सेकंड कार्ड इज पेज ऑफ सॉर्ड्स। आप लोगों के लिए आज का जो दिन रहेगा, धन खर्च ज़्यादा हो सकता है, छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं और आज पहले जो आपने काम किए हैं उसका इस समय पर आपको पे ऑफ मिल सकता है। तो आज का दिन कहीं ना कहीं पर दिन की शुरुआत में भी एक स्लो डाउन के साथ होगी, मे बी एक एनर्जी लेवल आपका कम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप चीज़ों को पिकअप करेंगे। साथ ही में व्यापार के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग कपड़े के व्यापार से जुड़े हुए हैं या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए आज का दिन बहुत बेहतर है। आप लोग खासतौर पर मनी ट्रांजेक्शन जो हैं आज आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। उपाय की बात करी जाए तो आज के दिन में गणपति जी को मोदक आपको अर्पित करना अच्छा रहेगा। टॉरेंस की बात कर लेते हैं, किंग ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए आज। जीवन साथी के साथ उनका जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं पे जुड़ा हुआ है, तो आज के दिन में आपके लिए तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा। साथ ही में आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनकी भी तरक्की का योग बन रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप पार्ट आज बेहतर रहेगा। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ा सावधानी बरतिएगा, चोट लगने का खतरा हो सकता है। सेहत संबंधी दिक्कतों को आप अवॉइड या निग्लेक्ट मत कीजिएगा। आज के दिन में आपको खान पीन में थोड़ी सावधानी बरतनी है और साथ ही में किसी से कर्जा नहीं लेना है। वृषभ राशि वालों के लिए उपाय रहेगा आज के दिन में भगवान विष्णु की पूजा करना और तुलसी में दीपक जलाना आपके लिए अच्छा है। जेमिनाइज की बात कर लेते हैं, जेमिनाइज के लिए द हैंग्ड मैन एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स कार्ड निकल रहा है। इस राशि के लिए सरकारी काम जो है वो आज निबट सकते हैं। नौकरी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज का दिन शुभ है। इंटरव्यूज प्लानअप कीजिएगा। व्यापार में बढ़ोतरी होते हुए नजर आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें नजर आ रही हैं, तो इसलिए आज बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। मिथुन राशि वाले आज के दिन में भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करेंगे, व्यापार में तरक्की होगी, नौकरी के भी योग बनेंगे। कर्क राशि फाइव ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स कार्ड है, एट ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। आज भाग्य साथ देगा आपका, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ेंगे, जितना हो सकता है डोनेशंस देने का प्रयास कीजिएगा। कोशिश कीजिए अल्कोहलिज्म से दूर रहें या किसी भी तरीके के एडिक्शन से भी आप लोग दूर रहें आज। कर्क राशि वालों के लिए, अगर आप लोग चाहते हैं आपका स्ट्रेस कम हो तो आज ओम मंत्र का उच्चारण ज़रूर कीजिए, नमक के पानी से स्नान ज़रूर कीजिए। चलिए बात करते हैं सिंह राशि, कार्ड्स निकल रहे हैं सेवन ऑफ वॉन्स एंड एस ऑफ सॉल्स। तो आज का दिन शुभ है आप लोगों के लिए, मनी ट्रांजेक्शन्स नज़र आ रही हैं, इसके साथ किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है, लेकिन मित्रों के साथ जो तनाव की स्थितियां चल रही हैं उसकी वजह से थोड़ी सी एंग्जाइटी बढ़ेगी। आज किसी के साथ वाद विवाद में पड़ना अच्छा नहीं है और व्यर्थ की बातचीत को भी अवॉइड कीजिएगा। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो उसमें सावधान रहिए, क्योंकि आपके ऊपर ब्लेम्स जो हैं आज ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उपाय की बात करें तो आज बजरंग बाण का पाठ करेंगे 3 बार, इसी के साथ किसी भी गौशाला में जाकर के डोनेशंस देना अच्छा रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि, कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए सिक्स ऑफ पेंटाकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्स। आज का दिन जो है आप लोगों के लिए परिश्रम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जीवन साथी का सहयोग तो मिलेगा, और ख़ासतौर पर जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वैवाहिक प्रस्ताव जो है आप लोगों को मिल सकते हैं कन्या राशि वालों को। हालांकि थोड़ा सा हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं रिजल्ट्स बहुत जल्द। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को आज मान सम्मान ज़रूर मिलेगा। उपाय क्या करेंगे, आज संध्या काल के समय तुलसी में दीपक लाएंगे और सुबह के समय शालिग्राम जी पर तुलसी जरूर अर्पित करेंगे। लिब्रंस की बात करते हैं, द सन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड निकल रहा है। आज के दिन में खर्च जो है वो ज्यादा बढ़ने वाले हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर आज खर्चा हो सकता है। मे बी घर का रिनोवेशन हो गया, आज के दिन में खरीदारी हो गई, इस तरह की चीज़ों के ऊपर आज खर्चा ज़रूर होगा। थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे सपोर्ट आप ले सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली आज सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। घर परिवार में जो बच्चे हैं छोटे, उनके स्वास्थ्य का भी आज ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। घर में लोबान की धुनी संध्या काल के समय देना अच्छा है, नेगेटिव एनर्जीज खत्म होंगी। स्कॉर्पियोस द मजिशियन एंड द रिवर्स डेथ कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। आज के दिन में शिक्षा के लिए दिन शुभ है, खासतौर पे जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी दिन शुभ रहेगा। आप लोगों को मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन धन लाभ के लिए भी योग बन रहा है, तो कोशिश करेंगे अगर किसी नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आज के दिन में थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन रखेंगे। आज बहुत जल्दी किसी को बताना नहीं है अपनी प्लानिंग्स को, जो भी आप दिमाग में सोच रहे हैं आने वाले समय के लिए या इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में सोच रहे हैं, कोशिश कीजिएगा उसे गुप्त रूप से करने का प्रयास करें। पार्टनरशिप्स आपके लिए अच्छी रहेंगी और खास तौर पे आज जो लोग लेक्चरर्स हैं उन लोगों के लिए चेंजेस इज ऑन द कार्ड्स। आप लोगों के लिए इस समय पर जितने बदलाव की स्थितियां जो बन रही हैं वो आपके लिए लाभदायक रहेंगी। उपाय की बात करी जाए तो वृश्चिक राशि वालों को
आज संध्या काल के समय कोशिश करनी है विष्णु सहस्रनाम का जाप करना है या फिर भगवद गीता के किसी अध्याय का पाठ आज जरूर करेंगे। धनु राशि, द वर्ल्ड एंड एस ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। आज सार्वजनिक कार्यों के लिए दिन काफ़ी शुभ दिखाई दे रहा है। अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचेंगे या फिर पॉलिटिक्स में अगर आप लोग करियर बनाना चाहते हैं तो आज का दिन बेहतर रहेगा। प्रसिद्धि यानी कि नेम फेम बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा तनाव रहेगा घर परिवार में रिश्तों की वजह से। अगर आप चाहते हैं आज रिश्तों में बेहतरी तो आज के दिन में घर के मेन चौखट पर स्वास्तिक ज़रूर बनाएगा। लाल रोली से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। मकर राशि, द हेरोफेरेंट एंड किंग ऑफ वॉन्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, खर्च बढ़ सकता है, भागदौड़ आज ज़्यादा रहेगी, लेकिन डॉक्यूमेंटेशंस में थोड़ा सा सावधानी बरतेगा क्योंकि कहीं ना कहीं पे सिग्नेचर करते वक्त में भी कोई गलतियां नजर आ रही हैं आप लोगों के लिए। आज धन लाभ की स्थितियाँ तो बनेंगी, लेकिन थोड़े से एफर्ट करने के बाद। मकर राशि वालों को आज कोशिश करनी चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग आपको नहीं करनी है। सुबह उठ करके गणपति वंदना के साथ दिन की शुरुआत ज़रूर कीजिएगा। कुंभ राशि, टेन ऑफ पेंटाकल्स एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। व्यापार से धन लाभ संभव है, रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। आज के दिन में इन्वेस्टमेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। स्टॉक मार्केट में आप लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर नया व्हीकल खरीदने के बारे में भी सोच सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज लाइटर शेड्स का इस्तेमाल करना अच्छा है, लाइट ब्लू टर्कोइज ब्लू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन राशि, नाइट ऑफ सॉज एंड द मून रिवर्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। आज पूरा ही दिन आप खुश रहेंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धर्म कर्म में वृद्धि बढ़ेगी, व्यापारिक अनुबंध आज हो सकते हैं। उपाय की बात करी जाए तो किसी छोटे बच्चे को स्टेशनरी का सामान आज जरूर डोनेट कीजिएगा। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ।